रोहित आपको लगता है पूरा स्मार्ट प्लेयर है तो भूल जाता ना, ना, ना 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 चक्कर में ना पड़ना बैटिंग से नहीं आइडिया आता आपको वो बैटिंग करता लगता है कि 120 पे बॉलिंग हो रही है दूसरा बैटिंग करे वो 160 लगने लग तो तो जाती है, <laughs> है। रोहित का तो रोहित जैसे प्लेयर के लिए तो बैटिंग करना बड़ा इजी है या तो आउट होता है नॉट आउट होता है रोहित को बड़ा आइडिया है ये कवर से आगे बोलता है बैट लगा रोहित आपको लगता है है पूरा स्मार्ट प्लेयर है चक्कर में ना पड़ना आप इज वेरी स्मार्ट कैसे बोलते हैं उसकी टॉस कराने आते हैं भूल जाते हैं ठीक है लेकिन बहुत तगड़ी समझ है आपको बैटिंग से नहीं आइडिया आता आपको वो बैटिंग करता लगता है कि 120 पे बॉलिंग हो रही है दूसरा बैटिंग करे वो 160 लगने लग जाती है बहुत अच्छा उसको बड़ी सेंस है के के वो तो बहुत सारे एपील में आ जाता है रंदे। वो उसको बहुत आइडिया नहीं है वो गुड गुड इंटेलिजेंट प्लेयर सो जब कोई रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन जो आपने भी ये, ये फैन मोमेंट वाला मुझे भी लगा जी, जी. कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है ये 120 की बॉल जैसे श्रीलंका में था वन रोहित शर्मा प्लेइंग वो 10 ओवर में सत्तर अस्सी नब्बे जा रहे थे बाकी पूरी टीम पे चालीस रन पे लौट आ रहे मैं आपको एक और बता दू रोहित का तो रोहित जैसे प्लेयर के लिए तो अंपायरिंग करना बड़ा इजी है या तो आउट होता है नॉट आउट होता है सीधा सीधा काम है उसका उसके खेलता ही नहीं वो <laughs> वो आउट है या नॉट आउट है इनफैक्ट ऐसे प्लेयर को एम्पायरिंग करना ईजी है वो देखना का भी साफ आउट होगा साफ नॉट आउट होगा उसका ही है ही नहीं कि कुट, -कुट, कुट करके वो सीधा, सीधा सीधा गेम है वो तो बढ़िया एम्पायर के लिए एक्चुअली रोहित शर्मा में क्या स्पेशल है जो आपने कहा ना कि वो नेचुरल है एक सौ बीस की बॉल नेचुरल है यार वो और उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है और वो बहुत जल्दी आगे नहीं भागता पीछे रहता है बॉल का वेट करता है और इसको ना एक एक, चीज होती है बॉल सेंस उसको जबरदस्त बॉल सेंस है उसको पता है किस बॉल पे आगे जाना है उसका शॉर्ट आर्म पुल देखो जो मारता है बापरे बाप ओफ बाप। ओफ मैं एक मैच में टी वी में पारती थे स्कोर आई थिंक टू हंड्रेड प्लस यार वो बोले जो और के लिए यार उस पर छक्के मार रहा था वो आई थिंक कैलकटा में मैच था वो डिफरेंट ही क्लास है वो एकदम लगता है लेजी है लेकिन बहुत आइडिया है उसको स्विंग का भी आइडिया है और अगर वो अपने फ्लो में जिस दिन होगा वो वन मैन आर्मी है अच्छा रोहित शर्मा दी कैप्टन और रोहित शर्मा दी बैट्समैन आपको ज़्यादा तो बैटिंग में तो क्लास मतलब बैटिंग को कर रहा हो तो बड़ा अच्छा लगता है कैप्टनशी में क्योंकि आप तो आईपीएल आई पी एल कर पाँच, पाँच आई पी एल जीता अभी वर्ल्ड कप जीता अब सब ठीक है कप्तानी भी ठीक है मना नहीं कर रहा लेकिन एक होता ना किसी आदमी का जो उसकी बैटिंग तो इज लाइक म्यूजिक आप मतलब बाहर बैठे हो कोई मैच चल रहा है तो वो बैटिंग कर रहा तो देख लेता आदमी देख लो यार कितना शॉटेज ऐसी मारता है वो कवर्स में इधर उधर और अंपायरिंग भी बड़ी ईजी है यार मैं बोला ना आउट या नॉट आउट वो कुछ कुछ का चक्कर ही नहीं इधर लगी उधर लगी उसके में अल्ट्राइज की भी जरूरत नहीं पड़ती साफ ही जाती है स्लिप में <laughs> या उस सिर पर खड़ी कर देता है एकदम मिड विकेट पर तीन आदमी लेके ले लो कोई भी या फिर सीधी बाउंड्री के बाहर उसका ये कुछ कुछ वाला है ही नहीं आप निकाल लो उसके सारे डिसमिसल मुश्किल से दो परसेंट मिलेंगे कुछ कुछ वाले वरना सीधा है उसका क्लीन क्लीन बैटिंग आई दिस वे और दैट वे कोई ऐसा बैट्समैन जिसके आने पर फोकस ज़्यादा करना पड़ता हो हाँ कई लोग लेफ्टी होते हैं ना ऐसे आधा आधा खेलते हैं वो राणा का नाम ले रहे हो है नीतीश राणा हाँ वो कुछ कुछ पता नहीं कहाँ लगी हम लोग भी ध्यान रखते हैं वो, वो सुनेगा कहेगा भैया देखो क्या कह रहे हैं पर हम लोग को ज़्यादा मतलब आगे भी जरा ध्यान रखो ये लोग खास कर जो लेफ्ट हैंडर होते हैं ना ये लोग एक तो आधे वॉकिंग वॉकिंग जैसे बैटिंग करते हैं फिफ्टी परसेंट आप बैट्समैन निकालो ऐसे इतनी जल्दी खेलेंगे अक्रॉस द लाइन बहुत जल्दी खेलता है लेफ्ट हैंड तो लेफ्टी को थोड़ा ज़्यादा एक क्या होता है लेफ्टी पर आपको पिचिंग टाइट हो जाती है आपकी अब ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहा है वो पिचिंग अंदर है कि बाहर है अंदर है कि बाहर है आधी एनर्जी उसी में लग जाती है पिचिंग में तो लेफ्टी बहुत तंग करता है या राइट खेल रहा हो तो उसको लेफ्टी बॉलर आ जाए

बड़ी क्लीन बैटिंग करता तो है तो हो चुका वो नहीं अच्छा प्लेयर है वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर देखना आप जब भी हालांकि एक तो अपनी इंडियन टीम ना इस टाइम ओवरलोडेड है इतना टैलेंट है इतना टैलेंट है बड़ा मुश्किल है यार किसी का नाम ऊपर तो भरे पड़े हैं पूरी टीम में भरे मतलब पचास आदमी है इस टाइम भाई आप इसको निकालो उसको डालो पता नहीं लगता किसको डालें किसको निकालें इतना टैलेंट है ये तो ये मामले में तो बी को आपको पूरा नंबर देने चाहिए कि इतना तगड़ा सेटअप बना दिया है कि इतने प्लेयर हो गए हर डिपार्टमेंट में मतलब ये तो बड़ी मुश्किल होती होगी सलेक्टर को किसको लें किसको ना लें हाँ मतलब अभिषेक शर्मा जैसा लड़का जो पैतालीस पे शतक मार आते ही दूसरे शतक मारा यार अब लेफ्टी के पता लगा दस लेफ्टी लाइन से राइटी ही के नो दस राइट लाइन से कीपर किनो पाँच कीपर बैठे हैं फास्ट बोलर के नो दस दिखते हैं तो बहुत टैलेंट है भाई बहुत टैलेंट है आई का फायदा बड़ा हुआ है आई से बहुत लड़के आए हैं कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है उनका बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं जिनको कभी टी पे देखते थे या डरते थे तो उन्हीं की बॉल पर छक्के मार रहे होते हैं सो ये जो पिछले दस बीस साल में जो ये प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त है जी आउट